सभी लोग अच्छे हैं? और इधर के लोग कैसे हैं? अच्छे। तो स्टोरी टाइम हो चुका है, कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है? सब लोग। तो आज एक बहुत मजेदार स्टोरी है, एक लालची भेड़िए की। किसकी? जिसका नाम था गप्पू। क्या नाम था? चलो फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक किसान था, वो एक जंगल के किनारे झोपड़ी बना के रहता था। किसान का एक छोटा सा परिवार था, उसकी बीवी थी एक और दो छोटे छोटे बच्चे थे। और किसान क्या करता है, कहाँ काम करता है किसान? फसल उगाता है ना। तो किसान जो था वो सुबह सुबह अपने खेत पे चला जाता था काम करने के लिए, और फिर अपनी बीवी से कहता था कि मैं खेत पे जा रहा हूँ और तुम मेरे लिए खेत पे दोपहर में खाना लेकर आ जाना। और किसान के घर के पास में ही थोड़ी दूर चल के जो खेत का रास्ता था बीच, तो वहां पर बहुत सारी झाड़ियां थी। उस झाड़ियों में भेड़िया रहता था। कौन रहता था? उस भेड़िया का नाम था गप्पू। ठीक है, क्या नाम था? गप्पू। बहुत लालची था, जो भी कोई उधर से निकलता था कुछ सामान लेके तो वो उनको जाके जला देता था और उनकी चीजें छीन के खा जाता था। क्या करता था? खा जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, किसान भाई सुबह सुबह उठा और उसने अपना सामान लिया और खेत में चला गया और अपनी बीवी से क्या बोला कि मैं खेत में जा रहा हूँ और तुम मेरे लिए खाना लेकर खेत पर आ जाना। ठीक। तो उसकी बीवी ने बोला ठीक है। फिर उसने बीवी ने सारा काम घर का किया और खाना बनाया। खाने में बनाई गरम गरम खिचड़ी। क्या बनाई? खिचड़ी। और उस पे घी डाल दिया और उस खिचड़ी को एक डिब्बे में रख लिया और डिब्बे में रख के खेत की तरफ चल दी। क्या कर दी? खेत की तरफ चल दी। और खेत की तरफ जब चल दी तो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंची, वैसे ही जो था भेड़िया आके झप से उसके सामने आ गया। मिलना चाहोगे उस भेड़िया से? ये वो भेड़िया। क्या नाम था इसका? है ना, देखो कितना चालाक लग रहा है ना। देखो दांत भी निकल रहे हैं इसके, है ना। तो ये झाड़ियों में बैठा था, जैसे किसान की बीवी आई वैसे ये आ गया निकल के धप से, और उससे क्या बोला, कहाँ जा रही हो, क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे। तो वो डर गई, तो बोला जल्दी दिखाओ नहीं तो मैं तुम्हें काट लूंगा, समझी, देखो मेरे कितने तेज दांत हैं। तो किसान की बीवी थोड़ा सा डर गई। क्या करती बेचारी? उसने क्या किया, डिब्बा खोल दिया और डिब्बे में क्या रखी थी, बहुत टेस्टी लग रहा है। डिब्बे में क्या था? खिचड़ी। इससे क्या पड़ा था? और इसको देख के उसका जी बहुत तेज लपलपाया, इसकी जी बहुत तेज लपलपाई, मन ललचाया, वाह ये तो बड़ा टेस्टी है। और बैठ गया डिब्बे के पास में और चट 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 चाटने लगा। उससे पहले किसान की बीवी से क्या बोला, बोला कि तुम मेरी पूछ सहलाओ। क्या करो? बेचारी पूछ सहलाने लगी और ये क्या बैठा बैठा गाने गाने लगा, खाऊं गपागप खिचड़ी सहलाओ मेरी पूछड़ी। क्या बोला? डरते डरते भागी भागी जल्दी से खेत पे पहुंची और किसान को बताया।
मिला था मुझे रास्ते में, लड़के मारे बोल नहीं पाए। तो किसान बोला, हाँ हाँ कौन मिला था? तो वो बोली, अरे भेड़िया मिला था रास्ते में मुझे, और वो सारा खाना पहुंच गया टिप्पा लेके।
वहीं बीच रास्ते में पहुंचा। साड़ी के अंदर को